गोइंग फॉर राइट। तो गाइस देख सकते हैं इधर से ट्रैफिक जाम लग गया। थोड़ा एंगल एडजस्ट कर लेता हूँ, होप सो अच्छा रहा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम एवरिक। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मोबाइल इधर रख देता हूँ, ग्लव्स गिर गया। तो वैसे गाइस ये मैंने जो है छेद जो किया था जानबूझ के किया था, क्योंकि नेविगेट करने में काफ़ी दिक्कत ही होता है। वैसे ग्लव भी पुराना हो गया था। The upper part is still good, so I'm using it. चलो I'm going for a ride, small ride, क्योंकि घर में बैठे बैठे थक गया। तो आज थोड़ा बाइक का टायर गर्म करता हूँ चला के, और पिक के फैमिली चलो चलते। तो गाइस मैंने फिलहाल ये बाइक में कैस्ट्रॉल पावर वन फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डाला है। तो अभी जो है 16,000 में मैंने चेंज करवाया था मेरा इंजन ऑयल, तो अभी 16,100 किलोमीटर्स चल गया है। मतलब 100 किलोमीटर्स मैंने जो है वो नया वाला इंजन ऑयल से मैंने ड्राइव किया। तो सो फार सो गुड, काफ़ी पसंद आया मुझे भी, क्योंकि फुली सिंथेटिक है तो परफॉर्मेंस में भी बाइक जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और फ्यूल जो है वो भी इसका भी एवरेज अच्छा आ रहा है। सो आई एम हैप्पी। तो गाइस देख सकते हैं इधर से ट्रैफिक जाम लग गया घर से निकलते ही। ये वाला टाइम जो है कभी अच्छा नहीं होता है बाइक राइड करने के लिए, स्पेशली गलियों में। निकल गए ट्रैफिक से थोड़ा बहुत, तो मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि क्यों आप लोगों को भी परेशान करूँ ट्रैफिक दिखा के। तो राइट की तरफ हाईवे है, पूरे काफ़ी सारे राशन ट्रक दिखाई दे रहे हैं आज। तो गाइस मैंने जो नया टायर लगवाया था रिसेंटली, तो उसका सब चीज़ मुझे पसंद है, लेकिन क्या बोलो जब हाई स्पीड में जब बाइक राइड करता हूँ, जैसे मान लो 90 to 100, तो उसमें जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं देता है। मतलब ग्रिप अच्छा है लेकिन हाई स्पीड के लिए अच्छा नहीं है जो टायर मैंने लगवाए। सो ओवरऑल आई विल रेट माय टायर 8 to 9, बाकी सब ठीक ठाक है। सो बैंगलोर में जो काफ़ी एक्सपर्ट होना पड़ता है बाइक चलाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि कहीं से भी गाड़ी वगैरह घुस जाता है अंदर। और देखो लोग जो है बहुत ही रोड के आसपास चलता है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हुआ था मुझे भी, प्रॉब्लम हुआ था एडजस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने पहले से सीखा हुआ था बाइक, तो इतना जल्दी मैंने कोप अप कर लिया था। लेकिन जो जो नया राइडर्स होंगे तो उनको थोड़ा तकलीफ होगा बैंगलोर में चलाने के लिए, क्योंकि देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है। 310 काफ़ी कूल लुकिंग बाइक है, लेकिन इतना स्पोर्टी नहीं है हैंडल, तो मुझे इतना पसंद नहीं है। इधर पूरा रेनोवेट हो रहा है दुकान, ये देखो पूरा तोड़ दिया है। काफ़ी बदलाव आया इस वाले जगह में। इधर पहले स्टिकरिंग का शॉप था, अभी दुकान हो गया कपड़े का। वैसे मैं आज ऐसे ही राइड करने के लिए निकल गया, कुछ लेने का कोई प्लान नहीं है मुझे, बस टायर गर्म करने के लिए निकल गया और आप लोगों को भी दिखाने के लिए जगह थोड़ा बहुत आसपास का। बस ये सब है बैंगलोर में, दुकान है साइड में, बिल्डिंग है। एक बार अच्छे कि काफ़ी सारे पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे ऐसा। तो गर्मी में, वैसे गर्मी तो नहीं है बैंगलोर में, काफ़ी अच्छा है वेदर, माइल्ड वेदर है उससे। ओ हिमालयन, तो काफ़ी नया नया बाइक्स आते हुए। वैसे आज व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं बाइक्स का। इधर भी होगा नया बाइक का शोरूम, चलते लेफ्ट। ओह इसका लाइट क्या हो गया भाई, लाइट ही नहीं है इधर। उधर लाइट होना चाहिए था ना। फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर मैन, नो इंडिकेटर, वेरी रिस्की। ये वाला एरिया काफ़ी साइड से गाड़ी आता है भाई, रिस्की है बिना इंडिकेटर, मतलब जो ट्रैफिक लाइट होता है। लविंग द परफॉर्मेंस ऑफ माई पल्सर आफ्टर द ऑयल चेंज, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है परफॉर्मेंस में। इधर पार्क करके टाइम लेस ले लेता हूँ इस जगह का। तो गाइस एक सिंपल सा टाइम लेप्स लिया है मैंने, मालूम नहीं मुझे एंगल कैसा आया, होप सो पसंद आया होगा आप लोगों को। क्या साइकिल है भाई ये, क्या क्या साइकिल निकल के आ गया आज इस जनरेशन में। वैसे इधर रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, ऊपर जो है नया नया बाइक्स रखा हुआ है। इंटरसेप्टर ये देखो, तो वैसे उस तरफ पार्क है, अभी ओपन हो गया शायद, लेकिन पुलिस लोग अगर खुला होगा तो जा सकते हैं पार्क के अंदर।
तो ये गाइस बृहद बेंगलोर महानगरा पलिक 6:30 PM तक ओपन है, तो जा सकता हूँ मैं। बाइक उधर पार्क कर दिया, होप सो कुछ ना हो। आज तो खुला है भाई, नहीं तो इधर टिकट लेते था तो लोग इधर चिल करने के लिए आते। काफ़ी बदल गया, बहुत दिन के बाद खुला है। कोविड के टाइम के बाद बंद कर दिया था तो अभी खुल गया। तो इधर देख सकते हैं लोग जो है ऐसे चिल करने के लिए आता है, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए आता है, तो काफ़ी अच्छा है। उधर एक बर्ड भी है देखो। तो गाइस मैं मेरा कैनन कैमरा से थोड़ा सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए ट्राई करूँगा अभी। तो ये रहा लेक, काफ़ी बड़ा है एरिया, तो अगर आप बैंगलोर में तो इधर आके आप चिल आउट कर सकते हैं। तो बोटिंग वगैरह भी है उस तरफ, तो अगर आप बोटिंग में इंटरेस्टेड है तो बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं इधर आके जो मछली वगैरह पकड़ने के लिए भी आता है मस्ती मजाक में। मुझे पता नहीं कि बाद में वो मछली के साथ वो लोग क्या करते हैं, बेचते हैं या खाता है। मैंने एक बार किया था इधर बोटिंग, उस तरफ जो दीप है थोड़ा मतलब, तो एक सर्टन स्पेस दिया जाता है बोटिंग करने के लिए, तो उसके पार आप नहीं कर सकते क्योंकि सेफ्टी रीजंस। देख सकते हैं बोट बोट वगैरह उधर रखा हुआ है, तो जगह काफ़ी अच्छा है वॉकिंग के लिए और जॉगिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बोटिंग का जगह ये है जो अभी बंद पड़ा हुआ है। वो मछली खा रहे क्या? अरे वो चिड़िया मछली खा रहे। ये भी इतना बड़ा सा बोट, एटलीस्ट 20 लोगों को तो उठा सकते हैं शायद। तो अच्छा है, काफ़ी क्लीन करके रखा हुआ है। वो वाला पौधे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जो मिडल में थोड़ा छोटा सा आइलैंड जैसा और ऊपर फूल। तो फोटो वोटो लेने के लिए आए फैमिली, ये अच्छे से जगह बैठने के लिए। तो मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैं उधर जहाँ से वॉलीबॉल खेलने के लिए आया था, तो वही मेरा सेकेंड लास्ट था। इसके बाद और एक बार आया था मैं कोविड स्टार्ट होने से पहले, इसके बाद पूरा एक साल के लिए बंद था। थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट मेरा कैनन कैमरा से लेके आप लोगों को दिखाऊंगा, इंजॉय करो। अभी मैं बाहर निकल चुका क्योंकि शाम हो रहा था, तो 6:30 में बंद कर देता है। तो मैंने थोड़ा एक दो क्लिप्स लिया है सिनेमैटिक शॉट्स, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा। और फिलहाल ट्रैफिक के आजू बाजू है तो काफ़ी शोर आएंगे, तो फिर से मोटर ब्लॉगिंग करना चालू कर देता हूँ। अभी घर जा रहा हूँ, कुछ प्लान तो नहीं है, देखते हैं। निकल पड़े घर की तरफ। इट वॉज अ गुड वन। शाम हो गया यार, मैं अराउंड 5:30 को निकला था घर से, अराउंड फाइव तो अभी बज गया होगा 6, देखता हूँ टाइम। इट्स 5:40 ओनली, सीरियसली। जैगवार मैन, जैगवार। इफ यू वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिशेबल, इट्स सो नाइस। बट आई एम फास्टर देन द जैगवार, आई एम जस्ट किडिंग गाइस। थोड़ा एंगल एडजस्ट कर लेता हूँ, होप सो अच्छा रहा है। सो देयर इज यूलू बाइक विच इज एन इलेक्ट्रिक, छोटा सा है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। तो फ्रॉम हियर आई विल गो राइट, ये काफ़ी लूज हो गया है मेरा ये वाला। सो गाइस वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट, डू बोथ। सो देयर इज व्हाट माय वॉलपेपर सेज, सो आई हैव टू गो दिस वे फॉलोइंग द हिमालयन। हिमालयन को तो चेस नहीं कर पाऊंगा गाइस क्योंकि 500 प्लस सीसी का बाइक है, कहा मेरा 180। सो गाइस इट वाज अ रैंडम व्लॉग, आई जस्ट केम आउट विदाउट एनी गोल और समथिंग। जहां मैं घूमता था उधर ही मैं गया और ग्लैडली वो पार्क खुला था, तो आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया। होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा वो पार्क। एंड गाइस देख सकते हैं इधर से ट्रैफिक शुरू हो गया, लेकिन यूजिंग ए बाइक इज गुड फॉर मी दैट आई कैन यू नो गो क्रिस क्रॉस एंड गो फर्दर, क्योंकि उधर है देखो लाइट।
One eternity later. Come on, it's a green light. No. I guess I will not make it. I will make it. Okay, I made it. Finally, it was orange, man. After I crossed, it was a good one. So guys, I'll be ending my vlog here. And if you're new to the channel, make sure you do subscribe to my channel, Sam Maverick. Do like and give a good comment and do share if you feel like sharing my video. And yeah, it was a good day, it was a good evening. No, riding your motorcycle is always a good feeling. Bye, Gonega Fighter. Yeah, guys, God bless. Be a change in this world, be a history maker. I'll see you guys in the next vlog. Till then, bye, guys. And do make sure you subscribe to my channel. Bye, guys. I'm still stuck in the traffic.